Hello friend, Assalamualaikum. My name is Abdul Wahid. I hope you all will be fine. Going to study about normalization. हमारे पास normalization क्या होता है, इसकी types कितनी है और normalization database के अंदर कहाँ पे कैसे use करते हैं। सबसे पहले आ जाता है normalization is the process of organizing the data in the database. जब हमने डेटाबेस के अंदर कोई भी डाटा ऑर्गेनाइज करना है अच्छे वे में, उसके अंदर जो है हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो यूज़ होता है। नॉर्मलाइजेशन इज़ यूज टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशन। इट इज़ आल्सो यूज टू एलिमिनेट द अनडिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स लाइक इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज। हाँ जी, नॉर्मलाइजेशन जो है ये हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमारे टेबल हैं या जो सेट ऑफ रिलेशन है उसके अंदर डुप्लीकेशंस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, और ऐसी चीज़ें या ऐसी करैक्टरिस्टिक्स जो अनडिज़ायरेबल होती हैं जिनका फ़ायदा कोई नहीं, उनको भी इंसर्ट करने में, अपडेट करने में या डिलीट करने के लिए भी नॉर्मलाइजेशन यूज़ होता है। The normal form is used to reduce redundancy from the database table. जो हमारे पास normalization है ये ज़्यादातर जो duplication है database के table के अंदर उसको remove करने के लिए use होता है। Further इसके बाद इसकी हमारे पास types हैं, first है 1F, second 2NF, फिर 3NF और fourth number पे है BCNF। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के चार टाइप्स हैं। वैसे तो 3NF, BCNF के बाद 4NF, 5NF भी होता है, बट हम जो है यहाँ तक पढ़ेंगे। हाँ जी, अब आ जाते हैं हमारे पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन जो है, अ रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन इफ़ इट कंटेन एन एटॉमिक वैल्यू। हमारा जो डेटा है, रिलेशन है, वो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में तब होगा जब इसके अंदर एटॉमिक वैल्यू होंगी। एटॉमिक वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, मतलब ऐसा डेटा जिसके अंदर से हम मज़ीद उसको डिवाइड ना कर सकें, तो वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में आएगा। इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। इसका मतलब ये कहता है कि हमारे पास जो है, अगर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन को चेंज करेंगे रिलेशन को, तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज नहीं होंगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस अलाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कम्बिनेशन। ऐसी वैल्यूज जो ज़्यादा हों, कम्बिनेशन फॉर्म में हों, या डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो मल्टी लेवल या ज़्यादा फॉर्म में हों, मैनी में हों, तो वो जो है हम इसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में रिमूव करेंगे। हाँ जी, अब ये आ गई हमारे पास एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देखें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय स्टेट है। हाँ जी, अब जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वो है 14, एम्प्लॉय नेम है जॉन। अब इसके अंदर जो फ़ोन नंबर है ये दो दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वैल्यूज़ जो है मज़ीद डिवाइड हो सकती हैं, तो ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे ताकि ये एटॉमिक वैल्यू बन सके। सेम ऐसे हमारे पास थर्ड वन है 12, एम्प्लॉय नेम है सैम, उसके बाद एम्प्लॉय का जो फ़ोन नंबर है वो भी दो हैं, तो इस चीज़ का जो है हमने ख्याल करना है। अब देखें, अब ये हमारे पास डाटा जो है नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये आ गया हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 14, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय स्टेट। अब आप देख सकते हैं जो हमारा डाटा था, ये देखें इस फॉर्म में, अब हमने उसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में, तो अब ये क्या है हमारे पास फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन।
मतलब हमारा डाटा जो है अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आप जितने भी देखते हैं टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, अब इसके अंदर सारे के सारे एटॉमिक वैल्यू हैं, मतलब इनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले जो डाटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की सबसे पहली कंडीशन है। इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नोन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। इसमें वो ये करता है कि जितने भी टेबल हैं वो सारे के सारे फंक्शनली तौर पे प्राइमरी की पे डिपेंड करें, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड ना करें। अब जैसे हमारे पास टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है, टीचर एज है। अब इन पर हो सकता है कि हमारे पास टीचर आईडी और सब्जेक्ट का एक हम टेबल बना दें, उसके बाद टीचर आईडी और टीचर एज का एक टेबल बना दें। हाँ जी, तो ये जो है अब इसके अंदर हमने क्या करना है, तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारी की सारी टोटली जो है प्राइमरी की पे डिपेंड करें। अब देखें, टीचर आईडी डिपेंड करती है, सब्जेक्ट और टीचर आईडी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह टीचर आईडी और टीचर एज भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बट अगर हम बात करें सब्जेक्ट की और एज की, अगर कोई भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसकी एज मैटर नहीं करती, तो इसलिए सब्जेक्ट जो है वो टीचर की एज के अंदर फंक्शनली डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये देखें। अब इसके अंदर हमारे पास आ गया टीचर आईडी और टीचर एज का एक टेबल बनेगा, और जो दूसरा है और टीचर आईडी डिपेंड करती है सब्जेक्ट पे। तो अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डाटा दिया हुआ था इस तरह, तो इसको हमने फंक्शनली तौर पे जो प्राइमरी की पे डिपेंड करते हैं उसके अंदर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास टीचर आईडी जो है वो प्राइमरी की, इसी तरह जो दूसरा टेबल है उसके अंदर भी हमारे पास टीचर आईडी जो है वो प्राइमरी की है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन विल बी इन थर्ड एनएफ इफ इट इज इन सेकेंड एनएफ एंड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। हाँ जी, इसमें वो ये कहता है कि हमारे पास अगर डाटा जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तब हम इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा नहीं है तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ठीक से नहीं बना सकेंगे। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज़ यूज टू रिड्यूस द डाटा डुप्लीकेशन। हाँ जी, इसके अंदर एक बात करता है, ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। हाँ जी, ये हमारे पास ऐसा होता है, ये देखें, अब ये आ जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इट एग्जिस्ट व्हेन यू हैव द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए एम्प्लॉय बी एंड बी एम्प्लॉय सी, देयरफॉर ए एम्प्लॉयज सी। मतलब ये कहता है कि ए जो है वो बी पे डिपेंड करता है, बी जो है वो फर्दर सी पे डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली जो ए है वो सी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह का रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी टेक देयर नेम फ्रॉम द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन मैथमेटिक्स विच स्टेट इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। तो जो हमारा डाटा जो है, तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। इफ देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स देन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर हमारा डाटा जो है उसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है वही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। अगर उसके अंदर डिपेंडेंसी होगी
तो उसको हम चेंज करेंगे, अदरवाइज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म दोनों सेम भी हो सकते हैं। अब देखें जी, नीचे एग्जांपल दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। हाँ जी, हमारे पास जो है जो टेबल था उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी वो सेपरेट, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय नेम के साथ, इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप, इसी तरह हम डिफरेंट टाइप के कम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो कैंडिडेट की है वो है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, और जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं जिनके या करेक्टरिस्टिक्स नहीं ही है प्राइमरी की बनने की, वो आ जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स में। तो एम्प्लॉय आईडी के अलावा तमाम जो है वो नॉन प्राइम है। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेयर, एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी डिपेंड ऑन एम्प्लॉय जिप एंड एम्प्लॉय जिप डिपेंड ऑन एम्प्लॉय आईडी। द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एम्प्लॉय स्टेट, एम्प्लॉय सिटी ट्रांजिटिवली डिपेंड ऑन सुपर की एम्प्लॉय आईडी, इट वायोलेट्स द रूल्स ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है कि ट्रांजिटिव जो डिपेंडेंसी है हमारे पास डाटा जो है इस फॉर्म में है, अब इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में कैसे चेंज, जिसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म करके कैसे चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये जो है एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह हमारे पास जो एम्प्लॉय जिप है, एम्प्लॉय स्टेट है और एम्प्लॉय सिटी, ये एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अब जैसे हमें अगर किसी बंदे का एम्प्लॉय स्टेट और एम्प्लॉय सिटी जानना है और साथ में हमें एम्प्लॉय जिप भी हो, तो हमें उसका नाम या उसकी आईडी की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म करनी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो ये जो है अब हमारा डाटा जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।